नमस्कार। 10 महत्वपूर्ण किचन टिप्स, ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें, तो वक्त निकालकर ज़रूर सुने। पहला, हलवे में पानी की बजाय सेब, नाशपाती, आम आदि का जूस भी डाल सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर दूध डाल रहे हैं तो जूस ना डालें। नंबर दो, चावल उबालते वक्त 1 टीस्पून घी और कुछ बूंद नींबू की रस की मिलाने से चावल खिले खिले बनेंगे। नंबर तीन, दूध से ज़्यादा मलाई निकालने के लिए पहले दूध को अच्छे से उबालने के बाद ठंडा होने के लिए उसको फ्रिज में रख दो। उसके बाद दूध से मलाई निकालेंगे तो अधिक मात्रा में मोटी निकलेगी। नंबर चार, खुशबूदार चावल बनाने हो तो चावल बनाते वक्त दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। नंबर पाँच, रोटियां या पूड़ी बनाने से आधा घंटा पहले आटा हल्के गर्म पानी से गूंथ कर गीले कपड़े से ढक कर रख दें, रोटियां नरम बनेगी या पूड़ियां। नंबर छः, पूड़ियों के आटे में ज़रा सा सफ़ेद सिरका मिला दें, आटा सॉफ्ट लचीला हो जाएगा, पतली पूड़ियाँ भी बनेंगी तो फटेंगी नहीं। और पूड़ियाँ बेल कर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, तलते वक्त तेल कम लगेगा। नंबर सात, दम आलू बनाते वक्त काजू का पेस्ट और ऊपर से क्रीम मिलाने से स्वाद बढ़ जाता है। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए ज़्यादा सा बेसन भी डाल सकते हैं। नंबर आठ, पराठे बनाते वक्त आटे में 1 उबला हुआ या पीसा हुआ आलू या और 1 छोटी चम्मच अजवाइन ज़रूर डालें। और पूड़ियों को आटा गूंथते वक्त थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा या थोड़ा सा दही भी मिला दें, पूड़ियाँ खस्ता बनेंगी। नंबर नौ, मटर के दाने सब्जी में सिकुड़े नहीं और हरे हरे रहें, इसके लिए पानी में 1 चम्मच शक्कर डालकर मटर उबालो। ग्रेवी में भी वही पानी आप यूज़ करें। नंबर 10, रोज़ाना के आटे में कम से कम 3 अनाज ज़रूर हों, 80% गेहूँ, 10% दूसरा अनाज जैसे ज्वार, चना, सोया आदि मिला ले, स्वाद और पोषण दोनों बढ़ेगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।